मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं आज आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर आई हूं। जो आपने अभी तक मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनका कुछ का जवाब जो है मैंने कमेंट में दे दिया था, पर लेकिन किसी को नहीं पता चला है। तो मैं अब आपके लिए हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी लाइफ से लेकर, या फिर जो मैं कान्हा जी की वीडियोस डालने वाली हूँ या जो मैं डालती हूँ उससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेरी करेंगे तो मैं उसका आंसर इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो आप इस वीडियो के नीचे जो मैं क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो बनाऊंगी, या आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मुझसे हो पाएंगे वो मैं क्वेश्चंस आपके लिए निकालूंगी। अगर आप विश्लेषण करते हैं कुंडली का, तो वो पूछना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर डालूंगी। हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं एक व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण जो है वो करके बताऊंगी उस वीडियो में। तो आज मैंने किसका कुंडली विश्लेषण किया है उसके बारे में मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं जो मेरे पास और क्वेश्चंस आए थे लड्डू गोपाल जी की से रिलेटेड आए थे, या और कोई क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास आया है वो है परवीन का, आगे उनका शायद नंबर मेंशन है। तो उन्होंने पूछा है, आपने नाव तो फोम की बनाई और पानी में गली या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई में बताइए, वो ख़राब हो गया क्या? तो प्रवीण जी को मैंने मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था, लेकिन मैं फिर भी उन्हें बता देती हूँ कि जो मैंने नाव बनाई थी वो मैंने फोम की नहीं बनाई थी, मैंने थर्मोकोल की बनाई थी। और जो थर्मोकोल है वो पानी में ख़राब नहीं होता है। मैंने गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने बहुत देर बिठाया, बहुत दिन तक बिठाया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ख़राब नहीं होते हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था रौनक परमर का। उन्होंने पूछा था कि 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी क्या हम इस नाव में बिठा सकते हैं? तो हाँ जी, आप बिल्कुल बिठा सकते हैं, क्योंकि जो मेरे कान्हा जी हैं वो 5 नंबर के हैं। ये जो आप साइज़ देख रहे हो ये 5 नंबर का साइज़ है, तो ऑब्वियसली आप 4 नंबर के बिठा सकते हो। अगला कमेंट है, उन्होंने पूछा है पूजा दीपक भारद्वाज ने, हेलो मैम, आपने जो कान्हा जी का येलो कलर वाला सिंहासन, शायद आपने इस सिंहासन की बात की है, क्योंकि मेरे पास येलो कलर का यही सिंहासन है, बाकी मेरे पास बेड है जो मैंने खुद बनाया है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्लीज़ इसको कैसे बनाया इसकी वीडियो सेंड करना। देखिए, ये जो सिंहासन है ये मैंने परचेज़ किया था जब मैं पहली बार अपने कान्हा जी को लेकर आई थी, तभी मैं उनके साथ ही लेकर आई थी। लेकिन हाँ, ऐसा सिंहासन भी मैं बना सकती हूँ, और मैंने बेड की वीडियो बनाई है और सिंहासन की भी मैं आगे वीडियो आपके लिए पोस्ट करना चाहती हूँ। सिंहासन की जो वीडियो है मैं आने वाले समय में बताऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है तो आपको आने वाले समय में उसकी वीडियो ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर नहीं किया है तो अगर आप सिंहासन की वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को, ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को और बाकी सभी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने जो गोपाल जी का बेड बनाया था उसका लिंक जो है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो नौका विहार वाली वीडियो से ही है, बहुत सब ने पूछा है कि बाथ टब कहाँ से लिया आपने। देखिए, ये कमेंट है रुचि का, और पंकज कुमार भी पूछते हैं जो टब है वो बलून का है, ऐसे और 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछा है कहाँ से लिया और जो वो बलून का है, देखिए ये जो टब है वो स्टेशनरी शॉप से या फिर बच्चों की जो टॉयज़ की शॉप होती है वो इजीली मिल जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को नहलाया जाता है, ये वो टब है। तो ये टब मैं मार्केट से लेकर आई थी और उसमें मैंने लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करवाया है। ये टब आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ये पंप
से जाकर इसमें हवा भर जाती है और ये फूल जाता है। बाद में आप इसकी हवा निकाल के इसे रख दीजिए, आप दोबारा कभी यूज़ करना चाहते हैं ये इजीली यूज़ हो जाएगा। तो ये बार बार यूज़ करने वाली चीज़ है, तो आप इसे खरीद सकते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप से या फिर बच्चों की टॉय शॉप से। तो अगला सवाल है आशुतोष राय का, या मैडम प्लीज़ श्रृंगार का वीडियो बनाइए। हाँ जी, श्रृंगार का वीडियो मैं मुझसे नहीं बन पा रहा था, बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने आपने शायद फ़ोटोज़ में देखा होगा मेरी फ़ोटोज़ में जो मैंने गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की अपलोड की हैं, उसमें जो मेरे कान्हा जी थे वो उनका जो कलर था वो पीतल वाला कलर था, लेकिन अब मैंने इनका श्रृंगार करवाया है, इन्हें थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैं अब बहुत ही जल्द इनकी इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। और हाँ, आपको एक दो दिन में इनके श्रृंगार की वीडियो भी ज़रूर मिल जाएगी, और मैं एकादशी पर जो श्रृंगार करूँगी या फिर जो इनका स्पेशल श्रृंगार करूँगी गर्मियों का, सर्दियों का, जो भी मैं इनसे रिलेटेड कोई भी कार्य करूँगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, जो मैंने कछुए की अंगूठी वाली वीडियो डाली थी उसमें प्रियंका ने पूछा है मेष और कन्या राशि वाले पहन सकते हैं क्या। तो हाँ जी प्रियंका, मेष और कन्या राशि वाले पहन सकते हैं। लखन ने पूछा है मेष राशि वाले पहन सकते हैं क्या, तो हाँ जी मेष राशि वाले भी पहन सकते हैं। और पल्लव बनर्जी का कमेंट है, सिंह और कुंभ राशि वाले पहन सकते हैं क्या, तो हाँ जी सिंह और कुंभ राशि वाले भी पहन सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने वीडियो में अच्छे से मेंशन किया है कि कौन कौन से राशि वाले नहीं पहन सकते, उसके अलावा सभी राशि वाले वो अंगूठी पहन सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये चीज़ को देखा है, पहन के आजमाया है, तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगला जो मेरे पास सवाल आया है वो अनिल सारस्वत का आया है। उन्होंने पूछा है नीलम शुक्ल पक्ष में धारण करें या कृष्ण पक्ष में, इसे सुबह धारण करें या सूर्यास्त के बाद। तो अनिल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला है कि जो नीलम है वो आप अपनी विशेषकर कुंडली दिखाए बिना नहीं धारण कर सकते ऐसे ही, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो हानिकारक भी हो सकते हैं। तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की बात तो तभी होगी जब आप अपनी स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन की जो कुंडली है उसमें देखकर बताया जाता है, और नीलम को पहनने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है, उसका आपके पास उसको रख कर देखा जाता है क्या वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, तभी जाकर नीलम पहना जाता है। तो इस बात का मैं आंसर आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सूर्योदय, सूर्यास्त का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। अगला सवाल है आईफोन 7 का कमेंट है, मैम मेरा आज इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, ये मेरे लिए बेस्ट है या रॉन्ग। तो देखिए, मैंने ये वीडियो, ये कमेंट आया है सूर्य का, जो मैंने गोचर डाला था उसके लिए ये कमेंट आया था। तो देखिए, ऐसे जो मैंने वीडियो में बताया है, जितना मैं, मुझे क्या है, सबकी के लिए बताना है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम मेरे पास नहीं है तो मैं उनके लिए नहीं बता सकती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ पूछना है, स्पेशल पूछना है, तो आप मुझे प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कीजिए, तभी मैं जवाब दे पाऊँगी। और जितना मैं आपकी राशि के हिसाब से बता सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया है, उसमें सब चीज़ आई है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, शायद आपका जो क्वेश्चन है उसमें कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है युवराज राणा का, जिन्होंने पूछा है नमस्ते चरण स्पर्श गुरु माँ। तो आपको मेरी ओर से नमस्ते। वृश्चिक राशि, लग्न में शुक्र, शनि और सूर्य उचका हो तो क्या फ़ायदा और नुकसान होता है, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वृश्चिक राशि में अगर लग्न में शुक्र हो तो क्या होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक कुंडली में देखने के लिए, सिर्फ आपने लग्न की राशि बता दी, उच्च का नीच का बता दिया, लेकिन इससे आपका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन वृश्चिक राशि में अगर लग्न में शुक्र हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसको मैं आपको बता सकती हूँ।
देखिए, जो शुक्र देवता हैं उन्हें दैत्य गुरु की उपाधि प्राप्त है। जैसे आपने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा, तो शुक्र जो हैं वो उसी के हैं। शुक्र देव कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सुख, वीर्य और जिन तत्वों से साधारण जन को जिंदगी जिंदगी से प्रतीत होती है, उसके कारक ग्रह जो हैं वो माने गए हैं। जीवन में ग्लैमर का कारक ग्रह होते हैं शुक्र देवता, जैसे गाड़ियों में जैगुआर हैं और घड़ियों में रोलेक्स और जूतों में एडिडास हैं शुक्र देव। तो जो शुक्र देव हैं, यदि लग्न में शुक्र हो तो वो जातक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो देखते ही बनती है। साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामित्व होने के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। उसके हाथ में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप उसके हाथ में जितना मर्जी पैसा दीजिए, वो पैसा आपको बहुत ही जल्द खत्म होगा। यानी कि वो बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है। शुक्र की महादशा में साझेदारी के काम से आपको लाभ का योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखी रहेगा ऐसे जातकों का। दैनिक आय में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। जातक का जीवन साथी भी बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। दोनों की जोड़ी जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है। विदेश में सेटलमेंट के योग भी जो बन सकते हैं। तो अब उन्होंने आगे पूछा है, सूर्य और जो शनि हैं वो उच्च के हों तो क्या प्रभाव होता है, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो देखिए, अगर आप पर्सनली अपने लिए पूछ रहे हैं तो इनमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि बहुत उच्च का हो, अगर इस भाव में हो तो उसका ये फल होता है, उस भाव में हो तो उसका वो फल होता है। तो इस हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो मैं आपका जितना आंसर दे पाई मैंने आपको दिया है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि उच्च का शनि किस भाव में है या फिर उच्च का सूर्य किस भाव में है ये मुझे नहीं पता है। आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैं इसका जितना मैंने आपको वृश्चिक राशि में लग्न में अगर शुक्र हो तो उसका क्या प्रभाव और कैसा व्यक्तित्व होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगला मैं करने वाली हूँ कुंडली विश्लेषण, और वो किसका है आइए जानते हैं। मेरे पास पंकज माधवानी का कमेंट आया था, एस्ट्रो रिया शर्मा थैंक यू मैम, If you don't mind, please help. Recently job चली गई है, शादी भी नहीं हुई है, बहुत परेशान हूँ। पंकज माधवानी, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ आगे बताई है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी मिलने में अभी समय लग सकता है, अभी आपकी नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी शादी के योग जल्द ही बनने शुरू होने वाले हैं। मार्च 2021 में आपकी शादी का प्रबल योग है। अगर इस समय आपका बात शायद आपकी इसी साल शुरू हो जाए, लेकिन जो शादी का योग है वो आपका 2021 में बन रहा है। सुबह शाम हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे क्या होगा, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं और इन उपायों को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपकी शादी भी हो जाए और नौकरी की जो दिशा है उसमें जो आपका कदम है वो आगे बढ़े। इस चीज़ को आप इस इन उपायों को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। तो आज मैंने कुंडली विश्लेषण किया है, आज मैंने जिनका मेरे पास प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ आई थी उनका कमेंट आया था, पंकज माधवानी का, उनका मैंने जवाब दे दिया है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस और का आंसर दिया है। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे लेकिन जितने मेरे से हो सके मैंने उतने क्वेश्चन लिया है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे वीडियोस पे राधे राधे थैंक यू लिखते हैं, उनका मेरी ओर से दिल से धन्यवाद। अगर आपको अपनी किसी भी कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई वीडियो आप चाहते हैं, या फिर जो मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ उनके आने वाले समय में वीडियोस डालने वाली हूँ, उनसे रिलेटेड आप मुझसे कोई क्वेश्चन चाहते हैं, व्लॉग्स चाहते हैं, या फिर
अपना विश्लेषण चाहते हैं इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मैं उतनी ही जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ सबके क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया होगा। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।